अच्छा बाबा ये बताओ, सहारनपुर में और जौनपुर में, जौनपुर में मुसलमान 10% है, सहारनपुर में 40% के ऊपर है ना। अब आप ये बताइए, सहारनपुर में खाली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर 60 क्यों है और जौनपुर में 85 क्यों है? क्यों है बाबा ये क्यों है? और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जौनपुर में 22 और सहारनपुर में सिर्फ 14? बाबा आपको सहारनपुर से इतनी नफरत क्यों है बाबा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात हम जब करते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है। फिर हमसे बोलते नहीं हो, मोदी जी तो सबका साथ सबका विश्वास क्या बोलते हैं? हम इनसे आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ने घर बनाने की स्कीम ग्रामीण में 3 साल में करीब, अगर मैं गलत ना कहूं, मेरा आज की एक एप्लीकेशन है, जितने भी घर मंजूर हुए, मैं बाबा से मोदी से पूछ रहा हूं, मुझे 20 घर दिखाओ जो तुमने मुसलमानों को दिए, 20 घर दिखाओ जो तुमने मुसलमानों को मंजूर तो कर दिए मगर घर किसी को नहीं मिला। मोदी जी ने क्या कहा था लखनऊ को आकर कि 18 लाख दिए जलाओ, दिए जलाओ। मोदी जी हमारे घर में भी हमको रोशनी चाहिए ना, जो आप अंधेरा पूरे मुल्क में कर रहे हैं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नाम पर, कौन सी स्कीम में आपने दिया मुसलमानों को बताओ? हम कह रहे हैं पार्लियामेंट में स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन करो, उस पर कोई बात नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, एक लंबी फहरिस्त है ना इंसाफियों की, मेरी आज से सिर्फ यही गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, अपनी जमात से वाबस्ता रहिए और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हाँ, योगी आदित्यनाथ सब पर देशद्रोही का मुकदमा लगा देते, नहीं वो क्यों पटाखे फोड़ा, वो क्यों खुशी मनाया? अरे बाबा, देशद्रोही का मुकदमा उसी वक्त लग सकता है जब तशद्दुद होता है। और ये यूपी की हुकूमत मुजफ्फरनगर के फसादात में आजादी के बाद 50,000 मुसलमान अपने घर बार को छोड़ दिए, जिन पर मुकदमे आयद हुए साथियों के ऊपर 1,000 मुकदमे कोर्ट में खत्म हो गए। अखिलेश यादव की सरकार थी था, जब हम कैंपों में सर्दी में कर रहे थे तो अखिलेश यादव सैफई में बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर नाच गाना देख रहे थे। जब हमको ओढ़ने के लिए रसाई नहीं मिल रही थी तो अखिलेश यादव की सरकार ने बुलडोजर लगा दिए। अब बाबा ने कहा कि जब अखिलेश ने ऐसा किया तो मैं उससे बढ़कर करूंगा, और 70 से ज्यादा मुकदमे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बीजेपी के कायदीन से निकाल दिए, ऊपर से डाल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही जंग गुजारिशात मैंने अखलास के साथ आपके सामने रखा है। मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए भी दुआ करिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए भी दुआ करिए। ये नहीं बोलेंगे अखिलेश, नहीं बोलेंगे कांग्रेस, नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते। लफ्ज मौलाना जो आता है बोलते नहीं नहीं हमारा मौलाना है, वो का मौलाना है, हमारे अब्बा मौलाना है बोलेंगे, मगर झूठे केस में उनको डाल दिया गया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह इन जालिमों को जलील और रुस्वा करेगा इंशाअल्लाह।